देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। कई जगहों पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के भी पार चली गई। लेकिन इस बीच यदि सस्ता पेट्रोल डीजल मिलने लगे तो लोगों का हैरान होना लाजमी है। ऐसी ही घटना हुई है कोलकाता में, जहां असली कीमतों से कम रेट पर पेट्रोल और डीजल खरीदने का मौका मिला। दरअसल कोलकाता के APJ अब्दुल कलाम के छात्रों व शिक्षकों के जरिए कुछ लोगों को सस्ता पेट्रोल डीजल खरीदने का मौका मिला। लोगों को सस्ती कीमत पर पेट्रोल और डीजल इसलिए मिला क्योंकि एक ग्रुप ने बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए अनोखा काम किया था। कुल 154 व्यक्तियों को न्यू टाउन के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल के वास्तविक मूल्य से 20 रुपए कम पर इसे खरीदने का मौका मिला। रविवार दोपहर को ये लोग पेट्रोल पंप गए और सस्ता ईंधन खरीदा। बाकी के बचे हुए पैसे बढ़ी कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों ने दिया। उन्होंने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ अपना विरोध दिखाने के लिए ऐसा किया था, यानी कि ग्रुप पेट्रोल और डीजल वास्तविक मूल्य से 20 रुपए कम खरीदने का मौका देकर बढ़ी कीमतों का विरोध कर रहा था। रविवार दोपहर छात्रों और प्रोफेसरों का एक समूह न्यू टाउन बस टर्मिनल के पास एक पेट्रोल पंप पर जमा हो गया। उन्होंने इस दौरान वहां से पेट्रोल डीजल खरीदने वाले 154 लोगों को 20 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी दी, जिसके चलते लोगों को 20 रुपए सस्ता पेट्रोल डीजल मिला। गौरतलब है कि कोलकाता में इस समय पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक और डीजल 93 रुपए प्रति लीटर से अधिक मिल रहा है। इसी के विरोध में APJ कॉलेज के छात्र और प्रोफेसर ने 20 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी दी। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।